मैं हूं सानिया इदरीसी, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद श्रृंगार गौरी केस में हिंदू पक्ष की ओर से दाखिल याचिका को वाराणसी के जिला जज ने मान लिया है। जिला जज के अदालत ने सोमवार को मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी थी। हिंदू पक्ष की ओर से 5 महिलाओं ने याचिका दाखिल की थी और उन्होंने ये दावा किया था कि ज्ञानवापी मस्जिद की बाहरी दीवार पर श्रृंगार गौरी सहित दूसरे देवी देवताओं की प्रतिमाएं हैं। हिंदू पक्ष की तरफ ये फैसला हुआ है। इस मुद्दे पर महाराष्ट्र के दौरे पर आए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, ज्ञानवापी मस्जिद के फैसले का मैं स्वागत करता हूँ। सुनिए अनुराग ठाकुर ने क्या कहा है। लंबित मामला, वर्षों से हिंदू पक्ष की चली आ रही मांग, और ये समाज ने स्वीकारा है कि जो कोर्ट तय करेगा उसको हम सब स्वीकारेंगे। मैं कोर्ट के निर्णय का स्वागत करता हूँ, चाहे वो पहले राम मंदिर का था या अब ज्ञानवापी मस्जिद का हो। मैं इतना ही कहूँगा, सभी पक्ष के लोगों ने हर निर्णय के बाद शांति भी बनाए रखी और उसको स्वीकारा है। हम इसका स्वागत भी करते हैं और स्वीकारते भी। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है और 22/9 में इसकी अगली तारीख लगाई गई है। इस जजमेंट के बहुत बड़े मायने हैं, क्योंकि जो हमारी कमीशन की रिपोर्ट है अब वो पढ़ी जाएगी, उसके खिलाफ उनको ऑब्जेक्शन देना पड़ेगा, और जो कमीशन की रिपोर्ट में शिवलिंग बरामद हुआ है अब उस पे आगे बात होगी। ये सारी महिला याचिकाओं के लिए बहुत बड़ी जीत है। आज दर्शन, आज हम लोग बाबा के दर्शन करने जा रहे हैं। हमारी पूरी लीगल टीम बाबा के दर्शन करने जा रही है।